अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मनान होम्योफिजिशियन। आज हम बात करेंगे टेस्टिकुलर अट्रॉफी के बारे में। तो दोस्तों, टेस्टिकुलर अट्रॉफी की जो वीडियो है वो मैंने पहले भी बनाई हुई है, लेकिन आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि आपको ये एक सक्सेसफुल स्टोरी जो है वो शेयर करनी चाह रहा था, कि जो इसी केस के रिलेटेड है। वो केस जो है मैंने इसी तरह ऑनलाइन जो है डील किया था। उस पेशेंट को माशाल्लाह राम भी आ चुका है, 3 मंथ उसका इलाज चला है, और उसकी जो शुरू की जो प्रॉब्लम थी वो बचपन से स्टार्ट हुई थी। उसके जो टेस्टिस थे उनका वो ऑपरेशन हुआ था बचपन में, जिसकी वजह से उसकी ब्लड सर्कुलेशन का मसला बना और टेस्टिस जो हैं वो बिल्कुल जो है डेवलपमेंट होना बंद हो गए, वहीं रुक गए, उनकी ग्रोथ जो है नहीं हो सकी। और बड़े हो गए, शादी हो गई, और शादी के बाद जाके जब उनकी रिपोर्टें की गई, उनके टेस्ट किए गए, ना ही सीमन एनालिसिस के अंदर कुछ आ रहा था, आइसोस्पर्मिया का मसला था, और उसके अलावा केला केला बेटा था घर का, और परेशान सब थे। मैं उसकी पूरी आपको डिटेल उसकी पर्सनल तो नहीं दे सकता यहाँ पे, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि उस पेशेंट ने बहुत पैसा भी लगाया, बहुत खर्च किया, सारा कुछ किया, लेकिन उसका मसला हल ना हुआ। तो उसने मुझसे फिर रابطہ किया ऑनलाइन इसी तरह, और उनका जो पेशेंट का मसला था वो बचपन ही में ये बना था। इस वजह से डॉक्टर बोलते थे इसका कोई इलाज नहीं है, इसके जो टेस्टिस हैं वो डेवलप नहीं हो सकते, इसको टेस्टिस फ्लेयर है, इसका जो है टेस्टिस फेल हो चुके हैं, ये इनफर्टाइल ही रहेगा, इसके इलाज नहीं हो सकती। तो कुदरतन उन्होंने मेरी वो जो वीडियो मैंने अभी मर्ज करनी है वो देखी, उसके बाद उन्होंने मुझसे रابطہ किया, लेकिन उनका जो केस था उसके ही अकॉर्डिंग मैंने उसको मेडिसिन स्टार्ट की। जिस तरह उन्होंने अपना मसला बताया, उसकी हिस्ट्री को देख के ही उसका इलाज किया, क्योंकि जो इलाज है वो आंखें बंद करके नहीं होता, उसका देख समझ के होता है कि उसको मसला किस तरह का है, किस तरह की मेडिसिन उसको देनी चाहिए। तो उन्होंने माशाल्लाह 3 महीने कंटिन्यू मेडिसिन खाई है, और 3 महीने के बाद जो है उनका जो मसला है, जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो उनका बिल्कुल, मैंने उनको बोला कि आप रिपोर्ट्स करवा के मुझे दोबारा सेंड करें। और पहली रिपोर्ट उनकी आइसोस्पर्मिया उन्होंने खुद बोला है, ठीक है। और जब 3 मंथ पूरे हुए हैं, और 3 मंथ उनके पूरे होने के बाद जब रिपोर्ट करने का बोला गया, तो उनका ये कहना था कि हमारी जो वाइफ है उसको डेट जो है ऊपर हो गई है, पीरियड जो है वो ऊपर हो गए हैं, नहीं आए हैं, दिन ऊपर हो गए हैं, जिसकी वजह से वो अभी चाह रहे हैं कि कुछ दिन वेट कर लें। अगर कोई उनका मामला सीधा हो जाता है, यानी कि उनके प्रेगनेंसी शो हो जाती है, ठीक है, फिर अगर नहीं तो रिपोर्ट करवा लेंगे। हमें ये डर भी लग रहा है कि हमने पहले बहुत इलाज करवाया हुआ है और बहुत पैसे लगाए हुए हैं, हर बंदे ने हमें नाउम्मीद किया था, और हम चाह रहे हैं कि अगर हम देख लें इसको, क्योंकि अगर बोर्ड में कुछ ना आया, मसला ख़राब ही निकला, तो फिर यह है कि हमारा दिल टूट जाएगा, हम जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने भी उनको जो है मज़ीद फोर्स नहीं किया। तो यह हुआ कि तकरीबन 2 से 3 दिन गुजरे, उनके बाद उनका खुद ही मुझे मैसेज आया कि हमारी जो वाइफ है उसको हमल शो हो गया है, ठीक है। तो ये है कि जब उनका हमल शो हो गया तो उसमें मुबारकबाद भी मिली, बड़ी खुशी हुई है कि ये मसला उनका सीधा हुआ, उनका मसला हल हुआ। जहाँ तक कि बहुत सारे पेशेंट इस मर्ज़ में मुबतला हैं, मेरी से गुजारिश है कि आप एक दफ़ा ज़रूर ये जो है कोर्स जो मैं देता हूँ आजमा कर देखें, क्योंकि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा इसमें मुबतला है, और जो है इसमें जो है सभी को नामिदी ही अभी तक नज़र आ रही है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों तक भी ये सक्सेस स्टोरी जो है शेयर करूँ, ताकि ये है कि आप लोगों को भी इसमें फ़ायदा हो सके। इसके अलावा जो मैंने पहली वीडियो बनाई है वो भी मैंने साथ में मर्ज कर देनी है, अभी आप वो भी साथ में अभी रीड कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं।